दोस्तों आज हम अफ्रीका महाद्वीप की एक बेहद ही दिलचस्प कंट्री की बात करेंगे, जहां के लोग कई महिलाओं के साथ संबंध रखते हैं। शादी से पहले लड़की वालों को यहां पर दहेज में खूब सारे जानवर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग बहुत ही सारी लड़कियों से खुलेआम ही शादी करके बच्चे पैदा करते हैं। मतलब ये है कि अगर एक आदमी के पास बहुत ही सारी गाय है या कोई अन्य जानवर है, तो फिर वो बहुत ही सारी लड़कियों से शादी करके उनसे संबंध बना सकता है, और ये सब कुछ इनकी परंपरा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक ऐसी जनजाति रहती है जो कि जिंदा ही जानवरों के खून को निकाल कर सूप की तरह पी जाते हैं। एक तीर से दो निशाने, मतलब जानवर मरा भी नहीं और इन्होंने उसका खून भी पी लिया। और ऐसे ही एक जानवर के साथ ये लोग बार बार ऐसा ही करते हैं। जानवर को खूब खिलाते पिलाते हैं, उसे तंदुरुस्त बनाते हैं और बाद में रोज रोज उसका खून निकाल कर पी जाते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं केन्या देश के बारे में। इस देश का नाम यहाँ के एक पहाड़ माउंटेन केन्या के नाम पर रखा गया है। 583,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 48वीं नंबर का बड़ा देश है, और इस देश की जनसंख्या करीबन 5,50,00,000 के आसपास है। इस देश का 28% हिस्सा शहर में बसता है, और फिर वहीं पर 72% हिस्सा गांव में बसता है, और कई गांव के लोग तो ट्राइब्स के रूप में रहते हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है। केन्या देश को यहां पर दुनिया भर में बड़े बड़े जंगलों और मसाई जनजाति के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर मसाई जनजाति की अपने ही एक अनोखा पहनावा और परंपरा है। दोस्तों ये जनजाति केन्या के अलावा भी तंजानिया के उत्तरी हिस्से में भी रहती है। इस जनजाति के लोग मां भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस जनजाति के लोग कई महिलाओं से संबंध बनाते हैं, यानी कि शादी करते हैं, और इनकी पत्नियां एक साथ न रहकर बल्कि अलग अलग घर बसा कर अलग अलग घर में रहती हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग हर बीबी के घर में अलग अलग रहते हैं और सभी पत्नियों से करीबन 4 या 5 बच्चे करते ही हैं। ये वहाँ के लिए आम बात है। दोस्तों ये लोग एक गोले के चारों तरफ अपना घर बनाते हैं और बीचों बीच यानी कि ग्राउंड में अपने जानवरों को रखते हैं। अब इसके बाद आप इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे कि ये लोग जानवरों से खून निकालकर भी पी जाते हैं। कभी तो उस खून को दूध में पकाकर या कच्चा ही पी जाते हैं। ऐसा करने के पीछे इन लोगों का मानना है कि जानवरों का खून पीने से इनको भरपूर ताकत मिलती है, और तो और ये लोग खून को प्रेग्नेंट महिलाओं को भी पिलाते हैं ताकि उनका बच्चा बहुत ही ताकतवर पैदा हो। दोस्तों ये केन्या देश जंगलों से पूरी तरह से घिरा हुआ है, और इसी के साथ ही यहाँ पर अनेकों प्रकार के जानवर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर करीबन 70 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश और स्वाहिली है। इस केन्या में बंदर राजा और महाराजाओं की तरह रहते हैं। इन बंदरों की संख्या यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अधिक है। केन्या में शेर, चीता और तेंदुआ दिखना बहुत ही ज्यादा आम बात है। इसके अलावा यहाँ पर जंगली भैंसे भी पाए जाते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट इन जानवरों को यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। केन्या में जी भर के आप अनेकों जानवर देख सकते हैं। अगर किसी टूरिस्ट ने इन जानवरों पर हमला किया तो उन्हें उम्र भर की जेल भी हो सकती है। केन्या के लोगों को भागने और दौड़ने में बहुत ही आगे माना जाता है। इसी वजह से ओलंपिक गेम में एथलीट में सबसे ज्यादा मेडल केन्या के लोग ही लाते हैं। दोस्तों केन्या वाले दहेज में लड़की वालों को 10 गाय भेंट करते हैं। ऐसा न करने पर शादी माने नहीं मानी जाती। केन्या में एक से अधिक पत्नी रखने की खुली छूट है। अगर किसी के पास 10 गाय है या उससे ज्यादा अधिक है, यानी कि अगर किसी के पास 100 गाय है, तो वो सभी लड़की वालों को 10-10 गाय देकर शादी करके 10 लड़कियों को अपने घर पर ला सकता है। साफ तौर पर बात यह है कि जो सबसे ज्यादा अमीर वो सबसे ज्यादा शादी कर सकता है, और ऐसा करने की आजादी यहाँ का कानून ही इनको देता है। इस देश में गुलाब का फूल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और केन्या में गुलाब को बड़े पैमाने पर उगा कर निर्यात किए जाते हैं। केन्या में गुलाब की पैदावार करने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है, और इसी वजह से इसे कंट्री ऑफ रोज भी कहा जाता है। केन्या में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म यहाँ की कुल आबादी का 80% है। केन्या की एक सबसे बड़ी इनकम टूरिज्म है, यानी कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ये लोग उनसे बहुत ही बड़ी कमाई करते हैं, और ज्यादातर टूरिस्ट मसाई ट्राइब्स को देखने आते हैं, यानी कि उनके बारे में जानने आते हैं, उनके रहन सहन को देखने आते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, और अपना शिकार कैसे करते हैं, उनके कौन कौन से फेस्टिवल हैं, वो लोग कपड़े पहनना पसंद करते हैं या नहीं, और ये कितने ज्यादा खतरनाक हैं, क्या ये इंसानों को भी अपना भोजन बना सकते हैं। अभी इन ट्राइब्स के बारे में बहुत ही सारी जानकारियां बताना बाकी है। इस वजह से दोस्तों अगर आगे की जानकारी चाहिए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की वीडियो इतनी ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओके बाय।